फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पोर्ट दक्ष। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के 31 से 35 हफ्ते तक यानी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु के विकास के बारे में बताऊंगी कि इस समय आपके शिशु के कौन कौन से अंग बन जाते हैं और कौन से अंग बनने बाकी होते हैं और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु कैसा होता है, इस सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने को प्रेग्नेंट महिला और शिशु के लिए खतरनाक क्यों माना जाता है और इस समय आपको क्या क्या सावधानियां रखने की जरूरत होती है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करें और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के 8वें महीने में हैं या आपका 8वां महीना लगने वाला है या खत्म होने वाला है तो जान लीजिए इस समय आपका शिशु कैसा होगा। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वां महीना आपके शिशु का वजन 1.8 से 2 केजी के आसपास हो जाता है और शिशु की लंबाई 18.2 इंच तक हो जाती है और वह अब एक नवजात शिशु के जैसे ही दिखता होगा। और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु के सभी प्रमुख अंगों का विकास हो चुका होता है सिर्फ फेफड़ों को छोड़कर। इस महीने आपके गर्भ में शिशु के फेफड़े विकसित हो रहे होते हैं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु गर्भाशय में हाथ पैर को मोड़े हुए नीचे की ओर सर वाली पोजीशन में आ गया होगा और अगर शिशु अभी तक हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया तो आने वाले कुछ समय में शिशु ऐसी स्थिति में आ जाएगा। और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु अब सोने और जागने का रूटीन बना चुका होगा लेकिन फिर भी शिशु अभी भी 70% समय सोकर ही बिता रहा होता है और इस समय तक शिशु सपने भी देखने लगता है और इस समय में शिशु की दिल की धड़कन भी पहले से कम हो जाती है। लेकिन अगर आप परेशान और चिंतित रहेंगी तो शिशु की दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है, इसलिए समय पर तनाव ना लें। और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु की त्वचा पर जो बालों की परत होती है वह गिरना शुरू हो जाती है और उसके दिमाग का तेजी से विकास हो रहा है और इस समय न्यूरॉन्स तेजी से बढ़ते हैं। और अगर गर्भ में लड़का है तो जननांग का बाहर के और विकास अच्छे से होने लगता है और अगर गर्भ में लड़की हो तो जोनी का विकास भी इस महीने तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना लगते ही अब आपके शिशु की आंखें और पलकें पूरी तरह से बंद जाती हैं और अब वो आंखें अच्छे से खोल सकता है और बंद कर सकता है। और 8वां महीना खत्म होते होते शिशु एक बड़े खरबूजे जितना भारी हो जाता है और शिशु अब इतना बड़ा हो चुका होता है कि अगर इस समय शिशु का जन्म हो जाए तो वह जिंदा रह सकता है। लेकिन 8वां महीना डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है अगर 8वें महीने में प्रेग्नेंट महिला बच्चे को जन्म दे दे तो उस बच्चे की तबीयत कभी भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके डॉक्टर द्वारा और घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा आपको सलाह दी जाती है कि इस मंथ को बहुत ही सावधानी से निकालें। खान पान में कोई भी लापरवाही ना करें, जंक फूड मसालेदार खाना अवॉइड करें, नॉर्मल फूड लें और बहुत ज्यादा पानी पिएं, जूस पिएं, नारियल पानी पिएं और ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहें और ना ही हैवी चीजों को उठाएं, इससे शिशु का दबाव नीचे की तरफ पड़ेगा। और इस समय अगर आपका वाटर लीकेज हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में वाटर ब्रेक का खतरा ज्यादा रहता है और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में पेट काफी बड़ा हो चुका होगा। इस समय आप काफी अपने आप को थका हुआ और लो फील करेंगी क्योंकि जैसे जैसे शिशु का विकास तेजी से हो रहा होता है तो वैसे वैसे उसके खाने की जरूरत भी बढ़ती है, इसलिए जरूरी है कि आप पौष्टिक आहार लें, फाइबर युक्त चीजों का सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां और अपनी डाइट में दही दूध और ड्राई फ्रूट्स को शामिल करें और 2-3 तरह के फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में सही अवस्था में रहें, आपको उठने बैठने और लेटने की अवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। सोते समय बाईं करवट लेकर सोना सही माना जाता है और बैठते समय एकदम सीधे होकर पीठ के पीछे सहारा लेकर बैठने की कोशिश करें और एकदम से उठें या बैठे नहीं, इससे शिशु सहम जाता है। करें तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।